और इसकी जो डेप्थ है ये पानी वाली नीचे वो 270 फीट के लगभग डेप्थ है, मतलब पकड़ लो आप लगभग 27 मंजिला इमारत पकड़ लो एक। ये आप देख पा रहे होंगे फिलहाल हम लोग यहाँ पर है और यहाँ से लेके अभी टॉप तक जाना है, यानी कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला ये रिवर्स। चलो बोटिंग तो कर ली भाई, लगभग 100 रुपए टिकट था एक जन का पर हेड, इन द सेंस 200 दो जन का था। यहाँ से यूटर्न मार के जो कि डैम की तरफ जाएंगे, ये रास्ता डैम की तरफ जाता है। चलो डैम भी देखते हैं, देख के आएंगे भाई। यहाँ से अभी अपने को भाई इतना जोर से आ रहा था बंदा, यहाँ से अपने को मारना है लेफ्ट। यहाँ पर यहाँ से 5 किलोमीटर अगर जाएंगे सीधा तो डैम मिलेगा। चलो डैम पे जाते पहले, भूख तो बहुत लगी अभी, होटल पे खाना खाएंगे, अब भंडारदरा डैम पे ही खाएंगे। एक्चुअली वहां पर जो पिछली बार हमने खाया था समाधान नाम का होटल से, एक्चुअली भाई टॉप लेवल उसका खाना जो था पिछली बारी भाई, प्रॉन्स वगैरह तो उसमें कोई तोड़ ही नहीं यार। उसमें क्या होता है ना फोन निकाल पाते ना छाता पकड़ पाते भाई, अगर फैमिली साथ में होती है तो दिक्कत तो आती है। चलो कोई ना, अब जाएंगे डैम पे सीधा भाई। रात को अगर यहाँ पर आए ना भाई, मंजर यहाँ का अलग ही होता है, कुछ सच में कुछ अलग ही होता है। सुनसान रोड पड़े हुए रहते और ये सामने ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और बारिश का मौसम हो, फॉग है जैसे, बहुत ज्यादा फॉग रहता है ये टाइम पे भाई साहब। ये देखो डैम का व्यू, एक नंबर भाई, कतई जहर भाई। ये देख लो भाई डैम का व्यू। एक्चुअली जब हेवी रेन होता है ना तो वाटर लेवल जो रहता है यहाँ तक आता जाता है, यहाँ तक आ जाता है वाटर लेवल, ठीक है। लगभग वो आप देख पा रहे होंगे वो एक्चुअली एग्जिट गेट है। एक्चुअली अगर पूरा डैम अगर भर जाता है कभी तो वहां से उसके दरवाजे अगर खोल दिए जाते हैं और फ्लो पानी के लिए बाहर जाने के लिए, तो प्रवरा नदी जो बोलते हैं प्रवरा रिवर यहाँ से शुरू होती है भाई। ये देख पा रहे होंगे ये नीचे से, वहां से अगर गेट खोल दिए तो नीचे पानी चला जाता है अगर ओवरफ्लो होता है तो। और ये डैम की खासियत भी ऐसी रही है कि 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त तक ये पूरा भर जाता है, ठीक है नॉर्मली। चलो फिर आगे का नजारा अभी बोट में देखेंगे, ये बोटिंग देख रहे आप भाई। चलो बोट में जाएंगे आगे वाला नजारा। चलो आप नजारे का आनंद लेंगे बोट से। ये देखो ये पहाड़ों के ऊपर पूरे तरीके से जैसे कि पूरा पहाड़ जो है वो पूरा व्हाइट धुएं से ढक गया भाई। वो तो सामने तो दिख ही नहीं रहा, ये आपको देख रेख रहा होगा सामने वाला, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये 3x में भी इतना ही जूम आ रहा है। अब आप आगे देखेंगे थोड़ा सिनेमेटिक नज़ारे, ठीक है तो एंजॉय करो सिनेमेटिक नज़ारों का। डैम पे होता है तो उसमें लहरें पैदा होती है, तो आज थोड़ा सा विंड नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा इग्नोर कर लो प्लीज, बट कोई ना, आज थोड़ा सा धूप भी खिला हुआ है, धूप भी पड़ा हुआ है, खिला मतलब क्या, पड़ा हुआ है भाई। तो ये देखो भाई वो माउंटेन्स का पीक देख लो भाई, ये एक नंबर भाई, ये वाला पीक देख लो।
जबरदस्त जबरदस्त। और वो माउंटेन का पीछे वाला कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। दूर होगा, 1 किलोमीटर दूर लेके गए। ये जो बीच बीचेस वगैरह भी देखते तो भाई वो 500-500 1000-1000 रुपए लेते और 10 मिनट भी नहीं बैठने देते। चलो कोई दिक्कत ना है, चलो फिलहाल तो उतर गए बोट से, अब जाएंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। अब थोड़ा सा बारिश का थोड़ा सा मौसम हो चुका है, ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये वाला ये देख लो। चलो कोई ना, मिलेंगे। और इसकी जो डेप्थ है ये पानी वाली नीचे, वो 270 फीट के लगभग डेप्थ है। मतलब पकड़ लो आप लगभग 27 मंजिला इमारत पकड़ लो एक। हाँ तो भाई डीप तो है, बट अभी फिलहाल तो 30% भी नहीं भरा हुआ है। जब वो उसके फुल कैपेसिटी पे होता है ना भाई, तो अंदर भी नहीं आने देते। यहाँ पर जैसे चल रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं ना, वो फिर अंदर भी नहीं आने देते, बिकॉज वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है भाई। थोड़ा सा चल के भी ऐसे थकान महसूस हो रही है, बिकॉज ऑफ क्या, 3000 फीट पर है। लद्दाख अगर जाते तो लद्दाख पड़ता है 12,000-9,000 फीट पे भाई, ये 3000 फीट पे थोड़ा सा तो सांस फूलने लगता है। चलो कोई ना, बेस्ट था यार, एक्सपीरियंस बेस्ट था। चलो अभी गाड़ी की तरफ जाएंगे, अब जाएंगे दूसरी जगह पे। और जो है वाटरफॉल्स, एक्चुअली 2-3 वाटरफॉल है वहाँ पर। बारिश का मौसम भी हो रहा है धीरे धीरे करके, तो मज़ा आने वाला है गुरु। तब तक के लिए बने रहो व्लॉग में। इतने मनमोहक दृश्यों के साथ विल्सन डैम को अलविदा कहने का समय आ गया भाई। बाय बाय भंडारदरा, बाय बाय, मिलेंगे फिर भाई। रोड देख लो सामने। यार रात के अंधेरे में अगर किसी के पास लाइट वगैरह नहीं हुआ गाड़ी को, तो दिक्कत ही हो जाएगी भाई। अगर सामने से अगर गाड़ी आ रही है एक आधी, तो भाई पीछे लेना भी एक डिफिकल्ट टास्क है। अबे वही हुआ भाई, अब क्या, आप देखो सामने से गाड़ी आ रही है। आप हाँ इतना ही करा भी, इतना ही करा भी, चलो कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट काम था एक्चुअली रोड का। और ये नीचे आप देख पा रहेंगे, यहाँ पे एक्चुअली होटल है समाधान नाम का, क्योंकि हम लोग हर टाइम आते हैं तो यहाँ पे खाना खाते हैं भाई। टॉप लेवल का नाश्ता जो खाना मिलता है वहाँ पर, एक्चुअली जो फिश मिलता है ना, प्रॉन्स वगैरह भाई, स्पेशली उसी के लिए जाना जाता है ये होटल। ये रोड वापस स्टार्ट हो गया भाई, ये देख लो। अगर कोई बंदा आता है तो नीचे भी नहीं ले सकता। यहाँ से कहाँ से रोड था, किसी को तो पूछना पड़ेगा। हाँ भाई यहाँ से ही रोड था शायद से। चलो देख के आते। एक्चुअली खाना खाने के नीचे गए थे, बट होटल जो है वो शिफ्ट हो गया था, वो 3 किलोमीटर यहाँ से आगे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब फिलहाल तो टाइम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 3:45 बज रहे भाई। भूख तो बहुत तेज लगी है, ये यहाँ से अभी यू टर्न लेना पड़ेगा शायद से शिंडी नाम का गाँव है 3 किलोमीटर। ये आप डैम का ये दरवाजा देख लो पहले, ये भाई साहब आपको कैमरे में दिखेगा या नहीं, बट ये देख लो जो ओपन आंखों से जो देखने का भाई दृश्य है, जो ओपन आंखों का, जो खुले आंखों से जो देखने का जो दृश्य है, वो कैमरा शायद नहीं जस्टिस कर पाएगा। एक्चुअली जगह जगह पे रोड का काम चालू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे देख लो भाई ये नजारा। एक्चुअली ये प्रवरा नदी है, जैसे वो डैम की तरफ से वो नदी आती है, यही नदी है वो। यार ऐसी ग्रीनरी ऐसी लग रही है जैसे कि जो पहाड़ों ने है वो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, ऐसे ही लग रही है भाई। ये देखो वो ऐसे अपन जाएंगे ऊपर 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 की तरफ, यहाँ से ऊपर से जाएंगे भाई। अभी शिंडी गांव का डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गया। चलो खाना भी हो गया, ये सही था यार। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था ना कि नॉनवेज मंगाया था, लेकिन बाद में याद आया आज तो गुरु पूर्णिमा है भाई। तो बाद में कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल करके फिर वेज मंगाया। चलो एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है लगभग, बज रहे 4 बज रहे हैं, और जो हल्दी का वो जो प्रोग्राम है शादी वाली हल्दी का, वो 6 बजे प्रोग्राम है शायद से। ऐसे छोटे 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 गाँव एकदम, ज्यादा बड़े भी नहीं, बट माहौल जो है भाई ताबड़तोड़, एकदम ताबड़तोड़ माहौल मौसम। यहाँ से लगभग अभी 22 किलोमीटर जाना है,
ताकि जो कि रिवर्स वाटरफॉल है। रिवर्स वाटरफॉल आप उसका अर्थ समझ गए होंगे यार। नजारे आप देख पा रहे यार, जाते वक्त लगभग 22 किलोमीटर का ट्रेक है, लेकिन ये देख रहे यार कि पूरे रास्ते ऐसे ही रहेगा। बट यार रास्ते एकदम सीने की देख पा रहे हो यार आप सच में। अब फिलहाल तो टाइम हो रहा है 4 बज गए, और जो आप चेक पोस्ट था उन्होंने बता दिया कि भाई आपको दो ढाई घंटे कम से कम मैक्स टू मैक्स लगेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 4 बज रहे, ठीक है। और अंधेरे में हम लोग ड्राइव करना नहीं चाहते, बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत सारे, हम लोग नहीं चाहते कि रात में ड्राइविंग करना पड़े। तो चलो देखते हैं अभी कितना हो जाएगा, दो ढाई घंटे में देख पाएंगे। जो खाना था भाई, खाना एक नंबर टॉप रेस्टोरेंट था, समाधान नाम का रेस्टोरेंट, ठीक है। और जो खाना खाने की वजह से आंखें झपक रही है क्या बताऊं। चलो कोई ना, अभी क्या अभी जाना ही, अभी दो ढाई घंटे का ट्रेक होना ही करना ही पड़ेगा। फिर चलते अभी बता दे आपको यार, इसलिए तो पसंद है आना कि माउंटेन्स में आना या पहाड़ी हिल्स में आना। और ये वेस्टर्न घाट्स के अलावा शायद से आपको कभी कहीं देखने को मिलेगा यार। ये सामने आप देख पा रहे हो भाई, भाई ये देखो अभी भाई टॉप एकदम, ये पानी देख लो भाई, टॉप के नजारे। ये चाबी कोई किसने ऊपर रख दी भाई, नीचे रख दो, बच्चे ने रख दी होगी। पीछे जाके एक चेक पोस्ट भी लगा था एक्चुअली, तो चेक पोस्ट पे गाड़ी के 100 रुपीज और पर पर्सन के हिसाब से 30, लगभग 160 रुपीज वहाँ पे उन्होंने जो कुछ पर्चा था वो दे दिया, ठीक है। यार क्या नजारे भाई साहब, खतरनाक यार सच में। एक दुक्का गाड़ी आती जा रही जाती रही है रोड पे, ज्यादा गाड़ियां भी नहीं दिख रही भाई साहब। ये शीशा डाउन करके भी चलेंगे, चलो थोड़ा सा विंडो जाएगा साहब। वाह वाह, फिलहाल टाइम तो हो रहा है लगभग 4:15 बजे। मतलब यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है भाई साहब, कब तक शहर। ये पीछे आप गाड़ी भी देख पा रहे होंगे, गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने सोचा चलो एक शॉट से ले लेते भाई। ये देख लो भाई साहब, खाना एक्चुअली खाना खाने के बाद में ना जितनी नींद आ रही थी ना भाई, ये नजारे देख के नींद भी भाग गई। और हमको आप सच बताऊं अभी 2 घंटा बजा है, लगभग 6 बजने को 2 घंटा बजा, मतलब अभी 4:15 बजे इन द सेंस। तो अभी 2 घंटे में जितना पॉसिबल हो, जितना पॉइंट हो सके उतना कर लेंगे, उसके बाद में भाई क्योंकि रात में ड्राइव करना नहीं चाहते एक्चुअली, क्योंकि रात में यहाँ पे जंगली जानवर बहुत सारे रहते जैसे मैंने बताया अभी। तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं कि रात में ड्राइव करे, या फिर करना भी पड़े तो मैक्स टू मैक्स आधा एक घंटा बस, दैट्स इट। और यहाँ से जो शादी है एक्चुअली, जो भाई की शादी है वो लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर से 25 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा वो, तो उसमें भी एक घंटा लग जाएगा मिनिमम। लेकिन सॉरी 20 किलोमीटर के लिए एक घंटा, 30 किलोमीटर के लिए एक घंटा, जैसा हाईवे होता है नॉर्मली वैसा होता नहीं डिस्टेंस, ठीक है भाई साहब क्या नज़ारा है। चलो अभी एक दो शॉट्स लेके, एक दो रील बना के निकल लेंगे यहाँ से। चलो तब तक के लिए बने रहो वीडियो में, बैठेंगे भी गाड़ी में। ये आप देख पा रहे होंगे फिलहाल हम लोग यहाँ पर है, और यहाँ से लेके अभी टॉप तक जाना है, यानी कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ये रिवर्स। Feeling like your grip might